नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्लेसिंग चैनल में। दोस्तों, ज़्यादा टाइम ख़राब करते न हुए मैं आपको सीधा बताता हूं कि जैसे कि मैंने भी ये वॉलपेपर लगाया हुआ है और इस पर लिखा हुआ है इंडिया, आप ऐसा वॉलपेपर आप अपना बना सकते हैं, अपना नाम भी दे सकते हैं। जो ऐप मैं आपको बताऊँगा उसकी अच्छी बात ये है कि आपका नाम कितना भी बड़ा हो आप पूरा का पूरा वॉलपेपर पर लगा सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने इंडिया लिखा हुआ है और ये रोटेट हो रहा है, आप कर भी सकते हैं अपने हाथ से जैसे कि मैं कर रहा हूँ, इसको घुमा रहा हूँ। अच्छा दोस्तों, ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ऐप कौन सी है। आप प्ले स्टोर पर जाएं, वहाँ पर लिखे 3D माई नेम लाइव वॉलपेपर, मैं इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ। ये जो पहला आइकॉन है ब्लैक कलर का 3D माई नेम लिखा हुआ है, आप इसे इंस्टॉल करें, मैं इसकी सेटिंग बता रहा हूँ। दोस्तों, जो 3D माई लिखा हुआ है इसके साथ में जो सर्कल के अंदर एरो है इसको आप इसको क्लिक करें, सर्कल है जो, और यहाँ पर जो भी आप नाम देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, जैसे कि मैं अपना नाम दे रहा हूँ। नीरज सिंह सिंहमार ये आ चुका है और जो ये टूल का ऑप्शन है आप इसे क्लिक करें। इसके बाद आप यहाँ से फॉन्ट कोई भी फॉन्ट ले सकते हैं, जो भी फॉन्ट आपको पसंद है। उसके बाद आप यहाँ से यदि इट अलाउ यू टू मूव द क्यूब, आप इसको सेलेक्ट करते हैं, अनसेलेक्ट करते हैं तो ये एक ही तरफ रोटेट होगा, एक ही तरफ घूमेगा, और ये ट्रांसपेरेंट कौन क्लिक करते हैं तो आपका क्यूब नहीं नज़र आएगा। और इसमें ये स्पीड है, आप अपने क्यूब की किस स्पीड में घूमता हुआ दिखाई देना चाहते हैं वो यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। बस दोस्तों, ये इतनी ही सेटिंग काफ़ी है इसके लिए और आप इसको सेट कर दें। देखो दोस्तों, आपको क्यूब नज़र आ रही है। अच्छा दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में मैं आपको और भी अच्छी ऐप के बारे में बता सकूं। अच्छा दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।